नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। छत्तीसगढ़ में चार केंद्रीय मंत्रियों का अलग अलग दौरा है। केंद्रीय मंत्री आकांक्षी जिलों में मोदी सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत देखने आज रायपुर पहुंचेंगे। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय वन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा और केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान आएंगे। सभी जिलों में केंद्रीय मंत्री भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। इस केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर राजनीतिक पारा भी चढ़ा हुआ है। सीएम भूपेश इसे राजनीतिक दौरा बता चुके हैं। 9 केंद्रीय मंत्रियों का दौरान छत्तीसगढ़ प्रस्तावित है, तो 9 केंद्रीय मंत्रियों का दौरा छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ में 10 आकांक्षी जिलों में केंद्रीय योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए ये केंद्रीय से वाकिफ होंगे। केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर राजनीतिक पारा भी चढ़ा हुआ है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनांदगांव जिले का दौरा करेंगे। वहीं मंगलवार को जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक कर किसी गांव का दौरा भी करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को चुनावी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी वाकई में मिशन छत्तीसगढ़ की तैयारी में जुट गई है, इसलिए केंद्रीय स्तर के नेताओं को छत्तीसगढ़ दौरे पर भेज रही है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री आए हैं अचानक, जो एक साथ आए हैं तो कुछ योजना बना के आए होंगे। आज एक्सप्रेशनल डिस्पेस में जो आकांक्षी जिले हैं उसको भ्रमण करने निकले हैं। भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइन बनाए हैं, वो पैरामीटर को देखने आए हैं। बहुत सारे पैरामीटर में हम बहुत आगे हैं देश के और आकांक्षी जिलों में, लेकिन इन आकांक्षी जिलों को कोई पैसा अतिरिक्त भारत सरकार नहीं देती। बल्कि बस्तर में जो 7 जिले नक्सल प्रभावित जिले हैं और यही आकांक्षी जिले भी हैं, वहाँ जो 50 करोड़ रुपया हर साल मिलता था 2021 तक, उसे बंद कर दिया गया है। और कल भी मैंने अमित शाह जी से यही मांग की कि जो बंद कर दिया उसे चालू करें, तो फिर जो आप देने दे रहे थे उसको भी कटौती कर दिए। और देखने आए हैं, मैं समझता हूँ ये आए हैं अच्छी बात है, लेकिन ये राजनीति करने अपनी जमीन तलाश नहीं आए हैं ऐसा मुझे लगता है। देखिए, ये जो मंत्री आ रहे हैं, जो केंद्र से आ रहे हैं मंत्री लोग, ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं और वहाँ क्या करेंगे बैठ के, वहाँ का काम जो हुआ है, क्योंकि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए देयर इज अ सेपरेट फंड दैट इज बीन एलोकेटेड, सो उसके अंतर्गत काम हुआ है कि नहीं, इन सभी विषयों पर वो समीक्षा करेंगे। व्हाई आर दे वरिड? व्हाई इज द कांग्रेस पार्टी वरिड? व्हाई इज द गवर्नमेंट? और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता विष्णुदेव सिंह है हमारे साथ और साथ ही बीजेपी नेता केएस चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले केएस चौहान जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। कांग्रेस को तो यहां पर मुद्दा मिल गया है कि जिस तरह से जो लगातार केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का, और ऐसे में क्या यही माना जाए कि बीजेपी जो है अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है? देखिए, जमीन उसको तलाशनी रहती है जिसका कोई आधार ना हो। आज हमारे छत्तीसगढ़ में 11 सांसद में से 9 सांसद हमारे, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जमीन तलाशने की कोई बात ही नहीं है। ये जो कार्यक्रम है, ये दो चीजें होती हैं किसी भी चीजों की, एक होता है प्लानिंग और दूसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग तो हमारा जो नीति आयोग कर रहा है वो कर रहा है, और जो इम्प्लीमेंटेशन करना है उसको भी करना है। सिर्फ प्लानिंग से नहीं चलता है काम। जैसे कि इनके पूर्व प्रधानमंत्री, जो कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री बोला करते थे कि 100 रुपए यहां से निकलता है और 15 रुपए अंत्योदय तक पहुंचता है, लाभार्थी तक पहुंचता है। लेकिन हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं, वो चाहते हैं कि वो 1-1 रुपया वहां अंत्योदय तक पहुंचे। इसके लिए मॉनिटरिंग की जरूरत है, इसके लिए इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी वक्ता नहीं है, वो करता है, और इसी के जरिए वो वहां पर लोगों जो प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, वो करना है।
जो हम पैसा लगा रहे हैं वो लाभार्थी तक अंत्योदय तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, जो कि बीजेपी की रीढ़ है कि वो अंत्योदय तक पहुंचना चाहिए, वो इस वजह से मॉनिटरिंग करने आ रहे हैं। और ये बता दूं आपको, ये पूरी जो कार्य पद्धति है वो है कार्यपालिका की, विधायिका की नहीं। विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है और न्यायपालिका अलग है। तो ये जब जो चीजें हैं वो क्षेत्र के विकास के लिए है, क्षेत्र के वो जो आकांक्षी जो जिले हैं उनको मुख्य धारा से जो जोड़ना है उसका एक प्रयास है। इसमें मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस पार्टी को पेट में क्यों दर्द हो रहा है। कांग्रेस पार्टी क्या ये नहीं चाहती कि कोई मॉनिटरिंग करने आए? अगर केंद्र सरकार उसमें से एडिशनल पैसा दे रही है तो क्या वो मॉनिटरिंग करने ना जाए? वो आप क्यों घबरा रहे हैं? चलिए मैं केएस चौहान जी 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 चलिए आपका बिल्कुल केएस चौहान जी, विष्णुदेव सिंह जी से मैं यहाँ पर उनका जवाब ले लेती हूँ। विष्णुदेव सिंह जी, सुना आपने चौहान जी को, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को क्यों पेट में दर्द हो रहा, आप बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं जितने भी केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में उनका मैं स्वागत करता हूँ। देखिए हवा दो प्रकार की होती है, एक हवा होती है सही और एक होती है अफवाह। सन 2014 में हम लोगों ने देखा कि अफवाह उड़ा करके देश की सत्ता तो इन लोगों ने हासिल कर ली, लेकिन अब वो लगातार गुजरात मॉडल का एक अफवाह उड़ा करके, अब ये छत्तीसगढ़ मॉडल देखने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल से इनके मंत्री सीखने आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इतने छोटे से स्टेट में कैसे किसानों को मजबूत करने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है, कैसे महिलाओं को मजबूत करने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। यहाँ पे उद्योग लगातार स्थापित होते जा रहे हैं, यहाँ का किसान लगातार मजबूत होते जा रहा है। इस भारी मंदी में छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसे मजबूत है वो देखने के लिए इनके मंत्री आ रहे हैं। और ये इतने बड़ी तादाद में जो मंत्री आए हुए हैं, इनके जो पुराने जो लीडरशिप है बीजेपी की छत्तीसगढ़ के अंदर, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह साहब हो, ब्रिजमोहन अग्रवाल साहब हो या अमर अग्रवाल साहब हो, रामविचार नेताम जी हो, ये सारे लोग अब जनता के बीच उस तरीके के इफेक्टिव साबित नहीं हो पा रहे हैं। ये नई लीडरशिप की भी तलाश कर रहे हैं ये लोग छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। एक तो पहला जो इनका कारण है छत्तीसगढ़ आने का, वो छत्तीसगढ़ मॉडल से कुछ सीखना है और उसको लेकर के शायद मोदी जी को बताएं। और मोदी जी को भी मैं न्योता देना चाहूंगा, मोदी जी को भी निमंत्रण देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो भी छत्तीसगढ़ आए और छत्तीसगढ़ मॉडल से सीखें। और दूसरा कारण यहाँ की लीडरशिप तलाश करना। चलिए चौहान जी, लगता है आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। जी जिस छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रहे हैं आप, उस छत्तीसगढ़ मॉडल का हम प्रभाव देख चुके हैं आसाम में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपको 387 सीटों में आप अपनी जमानत नहीं बचा पाए हैं। ये प्रभाव दिख रहा है, आपके मुख्यमंत्री जी का प्रभाव दिख रहा है, छत्तीसगढ़ के मॉडल का प्रभाव दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। और मैं आपको ये बता दूं, आपकी जो जानकारी है उसको दुरुस्त कर दूं कि 115 जिलों में पूरे भारत में ये आकांक्षी जिले हैं जहां पर सभी में भ्रमण होगा, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं और राजस्थान में नहीं है। आपके तो सिर्फ दो ही राज्य है ना, उससे ज्यादा तो राज्य है नहीं। 28 राज्यों में 115 जिले हैं जिसमें सभी में भ्रमण होगा, जिसके कारण अंत्योदय तक, क्योंकि जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ये करना चाहते थे कि जो सामाजिक तौर पे जो पिछड़े हैं, आर्थिक तौर पे जो पिछड़े हैं, उनको विकास के मुख्य धारा से जोड़ना चाहते थे, वही काम आज हमारे केंद्र सरकार कर रही है, वही काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इसके लिए वो आ रहे हैं। आप राजनीतिक बात ना करते हुए ये जो योजना चल रही है, ये जो क्रियान्वयन हो रहा है, ये जो हमारे मंत्री जी आ रहे हैं उस पर अगर बात करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। जी चलिए विष्णुदेव जी, कांग्रेस की क्या प्लानिंग है? क्या कांग्रेस अगले साल को लेकर, होने वाले चुनाव को लेकर, मिशन 2023 को लेकर क्या तैयारी कर रही है कांग्रेस? देखिए कांग्रेस लगातार जनता के हित में काम कर रही है, लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। आप राजीव गांधी न्याय योजना की बात उठा करके देख लीजिए, जिस तरीके से किसानों का 2500 रुपए का मूल्य धान छत्तीसगढ़ का किसान बेच रहा है। इसके अलावा जो भी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया था लोगों से, उसे पूरा करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पूरी कमेटी, पूरी मंत्रिमंडल लगातार प्रयास कर रहा है और अपने घोषणा पत्र पे अमल करने में के लिए दिन प्रतिदिन लगातार मेहनत कर रहा है और उसका लाभ ग्राउंड में हम देख सकते हैं। चलिए योजनाओं का जो लाभ है वो देखना है कि किस तरह से मिलता है।
और साथ ही हमारे साथ जो के एस चौहान हमारे साथ बीजेपी नेता बने हुए हैं, देखा गया है चौहान जी कि पिछले चुनाव की अगर बात करें उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी को हार का सामना यहां पर करना पड़ा, काफी मेहनत हालांकि बीजेपी ने की थी, लगातार जो है मंत्रियों का दौरा भी हो रहा था, लेकिन जो हार मिली उसको किस तरह से देखती है बीजेपी? बीजेपी हारी नहीं है, बीजेपी को पिछले चुनाव में जितने वोट मिले थे उससे 7000 लगभग 7000 वोट ज्यादा मिले हैं, बीजेपी हारी नहीं है। और दूसरी बात, इस चुनाव में कांग्रेस जीती नहीं है, कांग्रेस नहीं जीती है, सत्तारूढ़ पार्टी जीती है। कांग्रेस अगर जीती रहती तो वो अपने कामों का बखान करती, अपने कामों के दम पर लड़ती, अपने अगर वो प्रत्याशी जीते रहते तो उनके 70% बोर्ड में से उनका चेहरा साफ नहीं होता। आपने तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का भी बोर्ड से चेहरा साफ कर दिया, आपने कुमार विश्वास के बोर्ड ज्यादा लगाए अपनी पार्टी से ज्यादा, तो आप किस मुंह से आप बोलते हैं कि कांग्रेस जीती है? कांग्रेस नहीं जीती है भाई, आपके जो भ्रमित करने वाली जो घोषणा थी वो जीती है। सत्तारूढ़ पार्टी ने जो प्रशासन का दुरुपयोग किया है वो जीती है। सत्तारूढ़ पार्टी ने जो शराब और साड़ी का खुलेआम वितरण किया है वो जीती है। ये और आपने एक, मैं सिर्फ कांग्रेस प्रवक्ता से एक मेरे क्वेश्चन है कि वोटिंग से पहले, चुनाव से पहले हम लोग पूछते पूछते रह गए, आप लोग भी पूछते होंगे कि आप लोग अगर चुनाव हार जाते हैं तो क्या आप जिला बनाएंगे? आपने जिला बनाने की कोई बात नहीं की कि हम जब हार भी जाएंगे तो भी जिला बनाएंगे। इसका मतलब यह है, अगर आप ये बोल देते कि हाँ हम हार जाएंगे तो भी जिला बनाते तो आप लड़ने से पहले ही हार जाते। दूसरी बात, आपने जो जिला बनाया वो अपने दल के लिए बनाया, अपनी कुर्सी बचाने के लिए बनाया, आपने काका और बाबा की लड़ाई को खत्म करने के लिए बनाया, आपने अपनी कुर्सी मेरी बची रहे उसके लिए बनाया, आपने खैरागढ़ की जनता के लिए नहीं बनाया। और सिर्फ तीसरी बात, जो आपने जिला की घोषणा की वो सिर्फ घोषणा थी, आप जिला बनाए नहीं है। जिले की घोषणा करना और जिला बनाने में बहुत अंतर है, जो कि आप 4 जिले की पहले ही घोषणा कर चुके हैं उसका कोई अता पता नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है। अभी तक आपने जो पहले 15 अगस्त को आपने घोषणाएं की थी उसका तो कुछ किया नहीं, और अभी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद इनके सभी जो प्रवक्ता हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, सब लोग बोल रहे हैं हमारे कांग्रेस के जो कार्य हैं। विष्णुदेव जी, बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है, कांग्रेस घोषणाएं करती है लेकिन घोषणाओं को पूरा नहीं करती। देखिए, मरवाही उपचुनाव के बाद गोरेला पेंड्रा मरवाही एक जिला कांग्रेस ने बनाया उस पे, और आप पहले इसका जवाब दीजिए, जिला बनना एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत होगा, ऐसा नहीं है कि बाजार में सब्जी लाया, बाजार में सब्जी हमने बेच दिया और पैसा लेकर के घर चले गए। जिला बनाने एक महत्वपूर्ण फैसला है। इससे पहले रमन सिंह जी ने भी अनेक जिला बनाए थे, सूरजपुर बनाया था, बलरामपुर बनाया था, हमारे अगल बगल का जिला बनाया था, तो हमने देखा था तत्काल। आज घोषणा किया और परसों जिला बंद करके कलेक्टर और एसपी बैठने नहीं लग जाते। एक सरकारी अमला होता है, एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम से ज्यादा फास्ट कैसे होगा? और जिस प्रकार कांग्रेस काम कर रही है, आप ये मान के चलिए अगर रमन सिंह जी ने जो जिला बनाए थे उनको अगर 50 दिन का समय लगा था तो कांग्रेस उस काम को 25 दिन में करके दिखाएगी। और आप जिस उपचुनाव की बात कर रहे हैं, ये तो आप अभी बोल रहे हैं कि हम लोग सत्ता में हैं और कांग्रेस की सत्ता के कारण, सत्ता बल के कारण जीत गए, लेकिन आप 2018 के सर, आप 2018 का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने चुनाव के पहले ये क्यों नहीं बोला कि यहाँ अगर कांग्रेस हार जाएगी तो भी जिला बनाएगी? क्यों नहीं दिया? मैं आपको पहले तो 2018 में लेकर क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन का जवाब दे नहीं रहे, दूसरी बातें कर रहे हैं। चलिए चौहान जी, चलिए सवाल मुझे करने दीजिए, यहाँ सवाल मैं करूंगी, आप बस जवाब दीजिए। विष्णुदेव जी, आप बताइए। मैं पहले तो 2018 की बात करना चाहता हूँ। सन 2018 में भाजपा की सरकार केंद्र में भी थी और छत्तीसगढ़ में भी थी,
अब वो चुनाव में कितना वोट ज्यादा पाए कितना वोट कम पाए वो स्थिति नहीं। आज 70 सीटों में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को चुना, इसका ये मतलब है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी पूरी तरीके से साफ हो गई है और जमीन तलाश रही है। और उनके जो नए मंत्री आए हैं वो अपने योजनाओं को देखने नहीं आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खोई हुई जमीन तलाशने आए हैं। पर उस उनकी खोई हुई जमीन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने स्कूल बना दिया है, अस्पताल बना दिया है, गौठान बना दिया है, लोगों को रोजगार का साधन उपलब्ध करा दिया है। वो उनकी जो जमीन जो खो गई थी वो पूरी तरीके से उसमें छत्तीसगढ़ में विकास की फसल लहलहा रही है, अब वो जमीन उन्हें मिलने वाला नहीं है। और पूरे तरीके से दौरा राजनीतिक है और नई लीडरशिप की तलाश है। मैं बार बार उस बात को आ रहा हूँ कि नई लीडरशिप की तलाश करने के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। लगातार इनकी डी पुरंदेश्वरी जी का बयान भी इससे पहले सामने आ चुका है कि किसके लीडरशिप में लड़ा जाएगा, रमन सिंह जी के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा, चलिए ठीक है भाजपा चुनाव लड़ेगी। चौहान जी आप बताइए क्या प्लानिंग, क्या रणनीति बीजेपी की अगले साल चुनाव को लेकर, क्या इसी तरह से दौरे होते रहेंगे? हमारी जो केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के लिए कर रही है, उसके लिए उससे हम अपने जनता के बीच में जाएंगे। जो इनके वादा खिलाफ है, जो 2500 बेरोजगारी भत्ता था वो नहीं दिया इन्होंने, महिला स्व सहायता समूह का जो कर्जा था वो नहीं किया इन्होंने, जो रजिस्ट्री की और जो दर थी वो उन्होंने घटाई नहीं, यूजर चार्जेस और ज्यादा बढ़ा दिया, जो इन्होंने 200 यूनिट पे ला के खड़ा कर दिया, जो बिजली बिल हाफ करने की बात थी उसमें 10 पैसा 15 पैसा पर प्रति यूनिट और बढ़ा दिया इन्होंने, जो शराबबंदी करने की बात थी वो इन्होंने कर ली, जो धर्मांतरण कर रहे हैं वो इन्होंने कर दिया। ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि वादा खिलाफी से ये खैरागढ़ की जनता भी बहुत ज्यादा त्रस्त आ गई थी, इसीलिए तो ये अपने कामों के हिसाब से वहां पर नहीं जा पाए, इनको घोषणा करनी पड़ी। ये पहले पहले जो सर्वे हो रहा था उसमें ये हार रहे थे, अब उनके मतलब जो अपने काम के हिसाब से जाने वाले थे, आपने काम क्यों नहीं गिनाया चुनाव के पहले, आप अपनी कांग्रेस पार्टी के दम पे क्यों नहीं लड़े, बिल्कुल नहीं लड़े आप सिर्फ घोषणा के दम पे लड़े, सिर्फ एक घोषणा के दम पे लड़े, आप जीरा बनाना है उस पर भी आप ये नहीं बोल पा रहे, आपके प्रवक्ता भी नहीं बोल पा रहे, आप कांग्रेस के प्रवक्ता भी नहीं बोल पा रहे हैं कि ये अगर जिले की घोषणा अगर कांग्रेस पार्टी हार जाती उसके बावजूद भी करती, ये आप नहीं बोल पाए, मेरे एक ही सवाल का जवाब भी आप नहीं दे पाए। 2018 तो 2012 तो ये बात कर रहे जा रहे, कुछ बात नहीं कर रहे। आपको क्या पता है आप क्यों आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बताइए क्यों आ रहे हैं, बताइए जमीन तलाश करने आ रहे हैं, जमीन किसकी तलाश की जाती है, जिसके 9 सांसद रहते हैं 11 में उसकी तलाश की जाती है। आप ये बताइए कि किस कार्य से आ रहे हैं, मैं बताता हूं आपको किस कार्य से आ रहे हैं। इनकी पांच कार्यक्रम है जिसके कारण आ रहे हैं, स्वास्थ्य वहां पर स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है उसके कारण आ रहे हैं, वहां पर शिक्षा ठीक हो रही है। चौहान जी मरवाही चुनाव भी हार गए, खैरागढ़ उपचुनाव भी हार गए। जी जी मैं बता रहा हूं दीदी, जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके पक्ष में पहले चुनाव होता है, सत्तारूढ़ पार्टी, और ये गलत उपयोग किया गया है। क्यों गलत उपयोग किया गया, क्यों आपकी साड़ियां पकड़ाई, क्यों आपका दारू पकड़ाया, क्यों आपने जिले का क्या बोलते हैं आपने घोषणा की, जिले की घोषणा की अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने अपने काम गिनवाए, बिल्कुल नहीं गिनवाए, आपने चौथी किस्त में 25% काट के। चलिए ठीक है मुद्दे तो आपके पास कई हैं, लेकिन बड़ा यहाँ पर सवाल यही है कि खैरागढ़ की अगर आप बात कर रहे थे तो वो तो यहाँ पर अगर डॉक्टर रमन सिंह की यहाँ पर वो उनकी देखा जाता है उनका क्षेत्र माना जाता है। चलिए समय काफी कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार जो देखा जा रहा है मिशन मोड में किस तरह से दोनों पार्टियां नजर आ रही है, बीजेपी की तरफ से केंद्र की तरफ से लगातार मंत्रियों का दौरा हो रहा है, और ऐसे में आप देखना है कि इस दौरे से लगातार जो दौरे हो रहे हैं उसका फायदा किस तरह से पार्टी को मिलता है ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।